अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं, अगर आप सेवकाइयों को बदलना चाहते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए। आमीन। आपके अंदर एक भूख, सबसे सेवकाई, सबसे बड़ी सेवकाई जो परमेश्वर के दिल को छूती, जिससे परमेश्वर दिल से प्रेम करते हैं, वो सेवकाई रूहों को बचाने वाली सेवकाई। अगर हम चाहते तो आज से कुछ साल पहले मुझे इतनी सेवकाई करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपना बिजनेस भी कर सकता था, सेवकाई भी कर सकता था, एक अच्छी सी चर्च बनाता, सुंदर सी चर्च बनाता और आराम से अपनी सेवकाई करता। मुझे कुछ भी इतना बड़ा और जबरदस्त करने की जरूरत नहीं थी, फिर पैसों का इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक बात जानता कि अगर मैं रूहों को बचाना चाहता हूं, अगर मैं परमेश्वर के बड़े काम करना चाहता हूं, तो मुझे डिसकंफर्ट से निकलना पड़ेगा, तो मुझे उस फ्रस्ट्रेशन से निकलना पड़ेगा, मुझे कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। पहली बात जो आपकी जिंदगी में आती है अभिषेक आने के बाद, वो पहली बात कंफ्यूजन है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पहली बात जो अभिषेक उतरने के बाद आपकी जिंदगी में आती है वो कंफ्यूजन है। आप समझ नहीं पाएंगे आपने क्या करना है। लेकिन एक बात जो आपकी जिंदगी में होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा और आप जसते जाएंगे। बाइबल में लिखा है जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो शाऊल अभी भी राजा था, अभी भी राजा की गद्दी में बैठा था, लेकिन दाऊद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी भागता जा रहा था और अपनी लाइफ में कंफ्यूज था। जिसकी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं आई, उसकी जिंदगी में कभी बटाम नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आपको आपको कंफ्यूजन आएंगी अभिषेक आने के बाद। आप समझ जाओ, कंफ्यूजन आने के बाद, परमेश्वर में खड़े रहने के बाद, ये फैसला लेने के बाद कि हम किंग सीड हैं, हम राजाओं का बीज हैं, हम प्रिंसेस हैं, हम राजकुमार हैं। और बाइबल में लिखा है शैतान जब जान जाता है कि हम राजाओं के सीड हैं, हम परमेश्वर के बीज हैं, तो अटैक करने की कोशिश करता है और हमारी डेस्टिनी को खत्म करने की कोशिश करता है। हम तब सोच सकते हैं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अगर मैं राजा का बीज हूं, अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह की संतान हूं, तो मैं इस प्रॉब्लम से क्यों निकल रहा हूं। एक टाइम था मेरी जिंदगी में जब लोग लाइन लगा के प्रार्थना करवाने के लिए आते थे और मैं भी उसी लाइन में प्रार्थना करवाने के लिए आगे जाता था। सब हील हो जाते थे, सब चंगे होते थे, मैं चंगा नहीं होता था। भविष्यवाणियां होती थी, सबके जीवन में पूरी होती थी, लेकिन मेरे जीवन में पूरी नहीं होती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। लेकिन मुझे जब परमेश्वर के दास ने बताया कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तुझे साबित करेंगे आने वाले समय में। जब परमेश्वर आपके लिए गुड नहीं रखते, आपको गुड नहीं देता, तो आपको बेटर देता है। और अगर बेटर ना मिले तो ध्यान अपने अपने ध्यान को हटाने मत दो। आपके लिए बेस्ट तैयार है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके लिए बेस्ट तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो कंफ्यूजन आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। लोग कहते हैं अगर अभिषेक मेरे ऊपर है तो कंफ्यूजन क्यों, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी के ऊपर है तो क्या वो मुझे गाइड नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा वो तैयारी करता है अपने लोगों की, और आपकी तैयारी और पवित्र आत्मा ठहरे हैं, आपकी तैयारी और बड़े कामों के लिए, आपकी तैयारी लंगड़े चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जब चर्च में बोला जाता था कि लंगड़े चलेंगे अंधे देखेंगे, कोई विश्वास नहीं करता था। अब संडे मीटिंग में सबकी आंखें खुल गई। मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, आप बड़े काम देखेंगे इससे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप इससे बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर अगर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी के ऊपर है। मैं हैरान होता था जब जब मैं लाइन में प्रार्थना करता था, मुझे पता चला एक दिन की राजन बेकी यहाँ पे पंजाब में। मैंने कहा राजन बेकी आ रहे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता था वो लुधियाने में किसी होटल में बंदगी कर रहे हैं। रात को 9:30 बजे मैं यहाँ से गया और 2 घंटे बाइक पे ढूंढता रहा कहाँ पे। और जब मैं एंट्री की उस होटल में, तो लास्ट प्रेयर चल रही थी हाथ रखे। मैं फटाफट गया और हाथ रख के प्रार्थना करी, जाओ जाओ जाओ। परमेश्वर का बड़ा दास, हर एक से नहीं, हर एक व्यक्ति से नहीं, लेकिन अगर मुझे, लेकिन जिस कोई कोई भी हाथ रखता था मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता था परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। भविष्यवाणी सबके लिए होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे भूल जाते परमेश्वर, या मेरे सिर पे छाता लगो है सब बारिश में और मैं छाते में हूं। लेकिन परमेश्वर मुझे बड़े कामों के लिए तैयार कर रहे थे। मैं नहीं जानता था बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, लेकिन मैं एक बात जानता कि मुझे सिर्फ खड़े रहकर परमेश्वर के कामों को देखना है। चाहे मेरे जीवन में एक भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही, मुझे चंगाई नहीं, लेकिन एक दिन मैं खड़ा होऊंगा लाखों लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर की बात को समझ जाएं और उसकी योजनाओं को समझ जाएं, फिर आप कभी कभी निराश नहीं होंगे कि ये सब भविष्यवाणियां सबके जीवन में पूरी हो रही, फलाना गवाही के साथ, ये गवाही के साथ, ये गवाही के साथ, मेरा नंबर कब आने वाला है। मैंने कहा आपका नंबर आप 10 गवाहियों के साथ वापस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
अगर आप एक के साथ वापिस आएंगे, आप दस के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखकर परमेश्वर का तैयारी करने का एक तरीका है, उसका समय गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के नाम में अगर आप कंफ्यूजन में नहीं रहे, अगर आप सालों कंफ्यूजन में नहीं रहे, आप सामर्थ्य कभी नहीं देखेंगे। अगर आप सालों कंफ्यूजन में नहीं जी सके तो आप कभी भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा भी नहीं जी पाएंगे। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करना शुरू कर देंगे, बाइबल में लिखा है वो हमारी अगुवाई सी बोरा चमकीली के साथ करता है। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक आता है, कंफ्यूजन आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, अटूट हिस्सा। आप लाख कोशिश करें कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए, यदि परमेश्वर के दाज के द्वारा भी आप कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ सकते, जब तक परमेश्वर ने आपका समय ठहराया है कि इस समय तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे, इस समय तक आप दुख में रहेंगे, ये समय आपके तैयारी का है, ये समय आपका सिर्फ सुनने का और देखने का और समझने का है। हर एक व्यक्ति जो अपने समय को नहीं जानता, जो समय से पहले लोगों के सामने आ जाता है, गायब भी जल्दी हो जाता है। मैं जानता था इस बात को, मैं समय से पहले लोगों के सामने नहीं आऊंगा। मैं जानता परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बात जानता कि परमेश्वर मेरी अजीब और जंभीर विधि के साथ तैयारी कर रहे हैं, मेरी सीक्रेट में तैयारी कर रहे हैं। और अभी अगर परमेश्वर मुझे अपीयर कर देंगे तो मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अपने टाइम में जब मुझे सामने रखेंगे तो मैं सदा चमकता रहूंगा सैटेलाइट की तरह। आमीन। आपका समय आ चुका चमकने का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप इस बात को समझ जाएं और परमेश्वर के वचन पे खड़े होने का फैसला कर लें, और आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर ने चुना आपको राजा बनाने के लिए, तो कोई मायने नहीं शाऊल अगर अपनी कुर्सी पे है तो। बाइबल में लिखा शाऊल अपनी कुर्सी पे था, लोग आपके खिलाफ बोलने वाले हैं, अगर आप लंगड़े भी चला देंगे तो आपके खिलाफ बोलने वाले हैं। वही आत्मा यीशु मसीह का जो तब लंगड़े चलाता था, अंधे देखते थे, आज वही आत्मा इस चर्च में काम कर रहे हैं। और वही आत्मा के साथ एक यहूदा का आत्मा भी जो यीशु मसीह के साथ साथ था, आज वो चर्चों में वो भी अभी भी परमेश्वर के साथ है। जो यीशु मसीह का आत्मा लंगड़े चलाता था और यहूदा आज भी परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, वो आज भी परमेश्वर के खिलाफ, लोग आपके सामने हंसेंगे लेकिन पीछे आपसे नफरत करेंगे, आपके सामने ही हुआ करेंगे लेकिन पीछे आपकी गिरने की कामना करेंगे। मेरा परमेश्वर आपको कभी गिरने न देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर कभी गिरने न देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको परमेश्वर के प्यार पे कॉन्फिडेंस है और उसके वचन पे कॉन्फिडेंस है, जब मैं 2004 में गवाही देता था, गवाही बन गई थी मेरी जिंदगी में, मैंने प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने मुझे आराम दे दिया। लेकिन जैसे मैंने गवाही देनी, मेरी बीमारी फिर वापस आ जानी। मैंने कहना मैं जिंदगी का, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान हूं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान हूं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने गवाही देनी, शैतान ने फिर अटैक करना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझाना कि खड़ा रहे, अड़ा रहे, तू नहीं जानता परमेश्वर के काम करने का तरीका, और शैतान भी जानता तू किंग सीड है, शैतान जानता तेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजनाएं, और वो तेरे जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कर नहीं पाएगा अगर तू परमेश्वर का साथ दे और केवल परमेश्वर के साथ खड़ा रहे। आज जो बीमारियों की मैं गवाही देता था, मुझे अपने अपने दिल में याद भी नहीं कि मेरी बीमारियां थी कैसी, मुझे महसूस कैसे होता था जब मैं बीमार था। आज परमेश्वर ने मुझे 101% चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक समय था जब मैं लड़ता था शैतान के साथ, एक समय था जब मैं कंफ्यूज था, अपनी गवाही को देने के बाद भी शैतान रोज रोज मुझसे उसने लड़ना, रोज हर तरफ से उसने मुझे बांधने की कोशिश करनी। लेकिन अगर आप परमेश्वर में असली विश्वासी हैं, अगर आप बाइबल में उस विश्वासियों के जीवन को पढ़ें, दाऊद किस तरह पढ़ा, डैनियल किस तरह पढ़ा, परमेश्वर के लोग किस तरह पढ़े, यीशु मसीह किस तरह पढ़े, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे होने के बाद भी 30 साल तक इंतजार करते रहे कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, 30 साल तक यहोवा की वेट करते रहे और अपने आप को सिद्ध करते रहे, और जब समय आया परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। आपका समय, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा एक समय है, उस समय में परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, अपनी योजनाओं को जाहिर करेंगे। आमीन। कंफ्यूजन्स एक विश्वासी, एक पास्टर, एक प्रॉफेट, एक अपोस्टल की जिंदगी का हिस्सा है। अगर वो कंफ्यूजन में नहीं रहा तो वो अपनी जिंदगी में कभी पावर को नहीं दे सकता। जब आप इंडिया में रहते हैं और आप किसी ठंडे देश में जाएं, रशिया में जाएं, कनाडा में जाएं, या किसी भी देश में जाएं जहां का वातावरण इस देश के वातावरण से अलग है, आप चाहे 100% हेल्थी इंसान हो, आप चाहे 100% हेल्दी इंसान हो, उस देश में जाते ही आपकी बॉडी बीमार होनी शुरू हो जाएगी, और कुछ दिन के लिए आपकी बॉडी को होश नहीं आती, क्योंकि आपकी बॉडी को गर्मी में रहने की आदत है, और जिस देश में आप गए हैं वहां टेम्परेचर 0 डिग्री है, और आपकी बॉडी तब रिएक्ट नहीं करेगी, टूटेगी,
आपका बदन टूटेगा, आपको नींद आएगी, आपको आलस पड़ेगा, आपकी बॉडी टूटेगी, आपको बुखार हो जाएगा। जब भी ऐसे ही आप परमेश्वर के एटमोस्फियर में जो आत्मिक है, आज आपकी जिंदगी कैसी भी है, लेकिन बाइबल में लिखा है एक समय आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने ठहराया, उस समय में जब परमेश्वर आपको शिफ्ट करते हैं, सबसे पहले जो आपको शारीरिक आशीष मिलती है, बाइबल के मुताबिक वो आशीष आसमान में पहले रिलीज कर दी जाती है परमेश्वर के द्वारा, वो फिर आपकी जिंदगी में आती है। कितनों को समझ आ रही? जब मैं इस बार परमेश्वर के दास के पास गया, परमेश्वर के दास के बेटे में परमेश्वर के दास ने बोला था कि इस 2014 में तेरी शादी होगी, और मैं नहीं जानता था, लेकिन वो आशीष रिलीज पहले हुई मेरे जीवन में, बाद में आई। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले परमेश्वर ने कहा था कि तेरी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, पहले परमेश्वर ने आसमान से रिलीज की, मेरी जिंदगी में बाद में आई। जब परमेश्वर आपको अगले लेवल पे शिफ्ट करता है, आपको भेजता है, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, आपका वातावरण चेंज हो जाता है, और आपको फिर आत्मा में बेचैनी महसूस होती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस तरह नए देश जाने के बाद आपकी बॉडी दर्द करती है, डिस्कम्फर्ट आपको लगता है, उसी तरह जब आप स्पिरिट में एक लेवल से सेकेंड लेवल में जाते हैं, आपकी बॉडी में एक अलग सा, आपकी स्पिरिट में एक अलग सी बेचैनी होती है। कितने मेरी बात को सब नहीं समझेंगे इसे।